हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स फॉर बैंकिंग। और आज की जो क्लास है इसमें हम टाइम एंड वर्क का पार्ट वन पढ़ने वाले हैं और ये IBPS RRBPO डे 6 रहेगा। इससे पहले 5 दिन में मैंने 2 टॉपिक आपके लिए खत्म किए थे, एक था परसेंटेज और एक था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस बार मैंने टाइम एंड वर्क लिया है और ये इसको मैं 3 पार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो तीनों पार्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना है, बड़े आराम से देखना है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब समझ में आएगा। और आप सभी लोग इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, जो भी पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट वीडियोस हैं, बिकॉज बेसिक से इस तरीके से यूट्यूब चैनल पर ये पेड क्लासेस का वर्जन है। आप ध्यान से सुन लो, ये पेड क्लासेस का वर्जन है। जो मैंने जूम पर क्लासेस लिए हैं उनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, उनको मैं एडिट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत करके। जितने भी लोगों को मैं ये चीज़ें पहुँचा सकता हूँ वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से सारी जो भी पॉसिबल थिंग्स हो सकती थी वो करने की कोशिश है। तो सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो तो इसमें आपका साथ चाहिए और उसके लिए आपको ये सारे वीडियोस शेयर करने हैं, लाइक करने हैं। और जितने भी नए बच्चे पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, ऐसे नहीं हवा में तीर मारने वाला, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो देखते हैं, आज टाइम एंड वर्क का पार्ट वन है तो इसमें बेसिक्स पूरा कवर होगा आपका। चलिए एक एक करके आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और आप वीडियो देखिए कि अगर कोई ए जो बंदा है वो किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर रहा है, बी जो बंदा है 20 दिन में फिनिश कर रहा है, तो जो हमारा बेसिक मेथड होता था, जो फ्रैक्शन मेथड उसको बोलते हैं, ठीक है। जो फ्रैक्शन मेथड होता था वो ये होता था कि ए का 1 दिन का काम हो गया 1/10 और बी का 1 दिन का काम हो गया 1/20 एंड वन डे वर्क इज नथिंग बट दी एफिशियंसी। तो एफिशियंसी 1 दिन का काम होता है। तो सबसे आसान क्वेश्चन क्या आता था कि अगर ए और बी मिलके किसी काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। तो सबसे आसान क्वेश्चन में यही करते हैं कि भाई पहले इनका 1 दिन में ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे। तो फ्रैक्शन मेथड हम ऐसे करते थे कि 20 LCM लेते थे। अब फ्रैक्शन मेथड जरूरी है क्योंकि आजकल जैसे क्वेश्चन आने लगे हैं ना, उसमें फ्रैक्शन मेथड का भी आना जरूरी है, क्योंकि कई बार वैल्यूज गिवन नहीं होती, एफिशिएंसी और रिलेशन के टर्म्स में दे रखा होता है, तो हमें फ्रैक्शन मेथड यूज करना पड़ता है। अदरवाइज पहले जो क्वेश्चन आते थे वो केवल LCM मेथड से हो जाते थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि LCM मेथड क्या है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब देखो 20 है, 20 से डिवाइड किया तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो इनका 1 दिन का जो काम हो गया वो 3/20 हो गया, 3/20, राइट, वन डे वर्क। तो इनकी ये क्या हो गई, ये एफिशिएंसी ऑफ बोथ हो गई, बोथ एफिशिएंसी कि 1 दिन में कितना काम करते हैं। अब ध्यान देना, अगर आपका एफिशिएंसी 1/2 है तो आप उस काम को 2 दिन में खत्म कर पा रहे हैं। मैंने जैसे बोला था ना, तुसार अगर किसी काम को 2 दिन में खत्म करता है तो हाफ एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी को अगर रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो ना, तो उस बंदे से रिलेटेड टोटल डेज आ जाते हैं। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो एफिशिएंसी कितनी है, 1/10, तो इसको अगर उल्टा करके लिख दो तो उसके टोटल डेज आ जाते हैं। तो ऐसे ही ए और बी का टोटल एफिशिएंसी अगर 3/20 है तो इसको भी अगर उल्टा कर दोगे ना, तो उल्टा करते क्या आएगा, 20/3, तो ये ए और बी का टोटल टाइम आ जाएगा ऑटोमेटिक। पर ये समझने की बात है कि एफिशिएंसी जो होता है ना, उसको उल्टा करते ही टाइम आ जाता है और टाइम को उल्टा करते ही एफिशिएंसी आ जाती है। ओके सर। जैसे अगर मैं किसी काम को 4 दिन में कर पा रहा हूं तो मेरा एफिशिएंसी क्या हो गया, 1/4। अगर मेरे को मेरी एफिशिएंसी पता है तो मेरे को ये भी पता लग जाएगा कि मुझे टाइम कितना लगेगा। अगर मेरा एफिशिएंसी 1/4 तो मेरा टाइम आ गया 4, और अगर मेरा टाइम दे रखा है 4 तो मेरा एफिशिएंसी हो गया 1/4। इस पार्ट पर मूव करते हैं कि LCM मेथड क्या होता है, ये होता है फ्रैक्शन मेथड। अब फ्रैक्शन मेथड में एक चीज कॉमन होती है, अब देखो फ्रैक्शन मेथड में एक और पार्ट समझने वाला बात था, यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई होता है। यूनिटरी मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार ही समझा देता हूँ कि जैसे आप ये मान के चलो कि अगर मैं ये कहता हूँ कि 20 चॉकलेट का जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है, 20 चॉकलेट का कॉस्ट है 100 रुपीज, तो एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना होता है, हम सीधे क्या करते हैं, 100 को 20 से डिवाइड करते हैं, तो 1 की के लिए क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। लेकिन 1 का ऑलरेडी गिवन है, और अगर मैं कहूं कि भाई अब 15 चॉकलेट का पार्ट क्या होगा, तो जब 1 का मेरे पास गिवन है ना,
तो फिर मैं वन वाले में 15 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं अगर एक का गिवन है तो, राइट। जैसे ही मैंने कहा कि भाई 3/20 जो वर्क था, 3/28 पार्ट ऑफ द वर्क पार्ट ऑफ इज डन बाय ए एंड बी इन हाउ मेनी डेज, एक दिन में हो रहा था ना, है ना। तो अब ये तो 3/28 पार्ट है, जब है तो हमारा जो टोटल वर्क होता है ना फ्रैक्शन मेथड में, टोटल वर्क होता है वन, टोटल वर्क होता है वन। तो अगर मेरे पास 20 चॉकलेट का रेट था, 100 रुपए में 20 चॉकलेट आती थी, तो एक चॉकलेट के लिए मैंने डिवीजन किया था, राइट। तो मेरे को एक का कॉस्ट चाहिए ना, मेरा 3/28 चॉकलेट का कॉस्ट मान के चलो 1 रुपए है, तो मेरे को एक का कॉस्ट निकालना है, तो 1/3 होगा क्या 3/20, रिवर्स हो जाता है ये, इसलिए रिवर्स होता है। एक की कैलकुलेशन के लिए हमेशा डिवीजन करते हैं, और एक का दे रखा है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक। जैसे डिवीजन करने के बाद एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना आ रहा है, ₹5 आ रहा है। तो अगर मैं ये भी कहूंगा ना कि हाफ चॉकलेट, तो अगर एक का गिवन है, एक का गिवन कितना था 5, और हाफ का चाहिए तो एक का गिवन है, तो हाफ का मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो एक का गिवन है, कुछ भी निकालना है मल्टीप्लिकेशन, अगर ठीक कुछ नंबर्स का गिवन है, एक का निकालना है तो डिवीजन, एक का निकालने के लिए डिवीजन, और एक से ज्यादा निकालने के लिए या एक का फ्रैक्शन निकालने के लिए एक गिवन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ये होता है यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन मेथड होता है। और फ्रैक्शन मेथड में जो टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, ये हमें याद रखना है। अब LCM मेथड, हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी तो हमने समझा था कि एफिशिएंसी जो होता है वो एक दिन का वर्क होता है। हमें समझना है कि LCM मेथड क्या होता है। LCM मेथड में जो टोटल वर्क जो होता है ना, टोटल वर्क वो वेरी करता है, टोटल वर्क वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहां पर ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये किसके बेसिस पर होता है। जैसे हमने अभी अभी कहा था कि अगर ए किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर सकता है और बी किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, तो इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल फिनिश द वर्क, ये क्वेश्चन था। ये जो नंबर ऑफ डेज, इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं ना, जैसे 10 है और 20 है, इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 10 एंड 20। अब देखो एलसीएम निकालने में भी क्या होता है, अभी तो 10 20 है तो मेरे दिमाग में सीधे आ गया कि 20 एलसीएम है, बट अगर मान के चलो मेरे को एलसीएम ऑफ 12 15 18 24 और 36 का एलसीएम निकालना है, मान के चलो 5 लोग हैं, तो एलसीएम निकालने में भी लोगों को टेंशन हो जाती है कि यार इसका फिर वो क्या कर, वो डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं फिर वो करना स्टार्ट करते हैं। तो द बेस्ट मेथड टू टेक एलसीएम इज, देखो ये एलसीएम निकाल रहे हैं 10 और 20 का, तो इन दोनों अगर दो नंबर है तो दो नंबर में से सबसे बड़ा कॉमन नंबर ले लो। कॉमन नंबर इन दोनों में क्या है, 10 और 20 में कॉमन क्या है, सबसे बड़ा नंबर 10, तो 10 को बाहर ले लो। अब ये जो 10 है ये 10 इंटू 1 होता है, तो 1 को अंदर रख दो। अब ये क्या होता है, 10 इंटू 2 होता है, तो 10 तो बाहर है तो 2 अंदर चला जाएगा, यही एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या आ गया, अभी तो हमें सीधे सीधे दिख रहा था, बट मेथड जैसा होता है जो वन लाइन में सब कुछ क्लियर हो जाता है, वो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये जो एलसीएम होता है ना, वही हम टोटल वर्क लेते हैं, 20 यूनिट हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब एलसीएम से क्या होगा ना, कैलकुलेशन इजी लगने लगती है। तो एलसीएम मेथड में अब जो टोटल वर्क हो गया वो क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क तो आ गया 20 यूनिट, कि भाई 20 यूनिट ए बंदा जो है वो 10 दिन में करता था, तो वन डे का वर्क अब निकालेंगे। जैसे वन डे का वर्क वहां पर 1/10 आ रहा था, तो यहाँ पर भी 1/10 ही निकलेगा। 1/10 अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 ही तो निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 10 दिन में 20 यूनिट कर रहा है, तो 20 को 10 से डिवाइड कर दो, तो हर दिन 2 यूनिट पर डे हो जाएगा, कि भाई ये जो काम कर रहा है अब ये 2 यूनिट काम करता है डेली, इसलिए 20 यूनिट को 10 दिन में खत्म कर देता है। ऐसे ही ये जो बंदा है, बी बंदा है, ये 20 यूनिट को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो इसका वन डे का वर्क आ गया 1 यूनिट। अब ये दोनों मिला के अगर इस काम को करने वाले हैं,
तो दोनों मिला के तो ये कितना काम करेंगे, दो यूनिट वो करता है, एक यूनिट ये करता है, तो इनका पर डे का जो वर्क आ गया ना वो 3 यूनिट पर डे आ गया दोनों का मिला के, वन डे वर्क, वन डे वर्क, राइट। अब इनके टोटल डेज कितने आएंगे या टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हम क्या करेंगे, जो टोटल टाइम, टोटल जो वर्क है हमारा, टोटल वर्क अपॉन वन डे का जो वर्क होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल वर्क है 20 और ये एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं तो इतने डेज लगने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आसान आसान दिखता है, वो 1/10, 1/20 उसको ऐड कर रहे हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। इवन हमें अभी तो ये भी लगेगा कि सर ये 1/10 और 1/20 को ऐड करना तो बड़ा आसान था, यहाँ पर ये बड़ा इजी हो गया था, और इसको रिवर्स करके ही तो लिखना था, तो हमें तो सेम टाइम लगा, ऐसा लगेगा कि सेम, और इसमें ज्यादा इजी रहेगा कि 1/10, 1/20 और इसको रिवर्स ही करना था तो ये तो ज्यादा आसान था। बट होगा क्या, आगे जब जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आएंगी, जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल दूंगा, वहां पर ये मेथड ना फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन हमें ये आना चाहिए, आना क्यों चाहिए, क्योंकि कई बार हमें, अगर अगर हमें ये टाइम ना दे रखा हो, मान के चलो ए का जो ये 10 डेज है और बी का जो ये 20 डेज है, ये दे ही ना रखा हो, तो हम एलसीएम किसका लेंगे। अब हम आते हैं तुम्हारा ये 12, 15, 18 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 12, 15, 18 और क्या लिया था, 24 और 36, यही था ना। तो अगर मुझे एक लाइन में करना है तो अब मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ और छोटे नंबर से स्टार्टिंग करूंगा तो ज्यादा बेटर रहता है। तो इनका एलसीएम एक लाइन में निकाल सकते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, जैसे मैंने कहा था दो नंबर में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, अब 12 और 15 किस कॉमन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं बताइए, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 को मैंने बाहर रखा। अब ये जो 12 होता है वो 3 × 4 होता है, तो 4 अंदर आ जाएगा इंटू, अब ये जो 15 होता है वो 3 × 5 होता है, तो ये इन दोनों का एलसीएम बन गया है। अभी ये इनका एलसीएम नहीं है, ये इन दो का एलसीएम बन गया। अब मेरे को 18 भी इंक्लूड करना है, राइट। तो 18 को मैं कैसे लिखूंगा, 18 को मैं लिख सकता हूं 3 × 6, राइट, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 × 3 × 2। तो मुझे देखना है भाई 3 तो अवेलेबल है, तो 3 ले, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। क्या 3 अवेलेबल है, 3 4 में और 5 में कहीं पर भी होता है, नहीं होता, ये तो लेना पड़ेगा। लेकिन 2 4 में होता है तो ये लेने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा भाई, एक डबल टाइम 3 चाहिए था और 3 एक ही बार अवेलेबल है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ये जो काम हो गया, ये तीनों नंबर का एलसीएम का हो गया, समझ में आया प्रोसेस। अब 24 को कैसे करूंगा, मैं करूंगा 24 को मैं कर सकता हूँ कि भाई अगर मेरे दिमाग में ऐसे आ गया कि 12 × 2 भी लिख सकता हूँ, और 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 4 × 2, या मेरे दिमाग में ये भी आ सकता है, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि क्या मेरे दिमाग में आने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो मान के चलो अगर मेरे दिमाग में 12 × 2 आया होता, तो फिर मैं देखता कि 12 3 × 4 × 2 ऐसे आएगा। तो देखो मेरे पास 3 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है कि नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या ये 2 अवेलेबल है इन सभी में, ये 2 तो × 2 और कर दूंगा तो 24 भी इंक्लूड हो गया। ठीक, अभी फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो हो सकता है अभी भी उतना ही टाइम लगे जितना डिवीजन मेथड में लगता था, लेकिन जब मैं इसमें एफिशिएंट हो जाता हूं तो डिवीजन मेथड में जितने में 2 टेबल लिखूंगा उतने में एलसीएम आ जाता है। और यहां पर मैंने 5-6 नंबर ले रखे हैं, ठीक है। अब देखो 36, तो 36 फिर से मेरे दिमाग में आएगा 3 × 12 और ये होता है 3 × 3 × 4। तो मैंने देखा था कि 3 × 4 तो मेरा ऑलरेडी है ना, 3 और 4, देखो 3 भी अवेलेबल है इसमें, तो ये सही अवेलेबल है, इसमें से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यही मेरा एलसीएम हो गया एक लाइन में। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एलसीएम। तो क्वेश्चन क्या है, ए डज अ वर्क इन 20 डेज, बी डज द सेम वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास 20 दिन है और 30 डेज है, राइट। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा इसका तो सीधा निकाल सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, तो ये 5 × 4 होता है, राइट। अब देखो
अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर एग्जैक्ट एलसीएम निकालना है तो इन दोनों नंबर में फिर कुछ कॉमन नहीं बचना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में कॉमन 10 भी तो हो सकता था, तो इन दोनों में कॉमन अभी भी 2 अवेलेबल है ना, तो उस 2 को yes, और बाहर निकाल लो, तो अब ये एलसीएम का काम करेगा परफेक्टली। ये काम तो कर जाता, ये टाइम एंड वर्क में तो काम कर जाएगा, क्योंकि हमें केवल मल्टीपल चाहिए होता है 20 और 30 का, मल्टीपल तो बन गया था लेकिन एग्जैक्ट एलसीएम नहीं था। अगर एग्जैक्ट एलसीएम चाहिए तो जो अंदर वैल्यूज है ना उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जैसे 2, 4 और 6 में कॉमन था ना, टोटल वर्क आया। तो एलसीएम मेथड से हम क्या निकालते हैं, जो नंबर ऑफ डेज होते हैं ना, कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, तो डेज का एलसीएम लेते हैं ना तो ये टोटल वर्क आता है। तो आप सीधे क्या करोगे कि 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करो तो एक दिन का काम आ जाएगा। तो ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी का कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज 30, तो 2 आ जाएगा। अब जब ये दोनों मिलके इस काम को करेंगे तो दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर सकते हैं, राइट। तो अब ए और बी मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो हमने कहा था कि टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट है, इसको वन डे वर्क से डिवाइड कर दें। हाँ, वन डे वर्क 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो हमारा 12 डेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दैट इज बी। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं हर चीज आपको लिख लिख के बता रहा हूं। अगर हम एग्जाम में करते हैं तो क्या करते हैं, देखो अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और पहली बार हम मैथ्स दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो जब एग्जाम में करते हैं तो सीधे ऐसे लिखते हैं, 20 डेज में ये काम कर रहा है, 30 डेज में ये काम कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम आ गया 60, तो ये क्या कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 2 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल वर्क को हमें केवल 3 + 2 5 से डिवाइड करना है, तो 12। ऐसे करते हैं, कुछ लिखते नहीं है कि ए इतना बी इतना, तो ये हमारा ऐसे फिर रफ वर्क चलता है। सो 15 और 10 और 6 का एलसीएम क्या आया, तो 30 यूनिट आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब कैसे निकालना था, 15 और 10 दोनों में कॉमन क्या था, 5, और 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा, और 6 क्या होता है, 2 × 3 होता है ना, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट मींस यही मेरा एलसीएम है, राइट। अब देखो इस तरीके से एलसीएम निकालने का एक बेनिफिट बताता हूं। अब मुझे ना, जैसे मैं ये देख रहा था कि भाई 60 को 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3 आ रहा था, 60 को 30 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, अगर ये ऐसे नंबर्स ऐसे हो जाते हैं कि 1, 2, 4, 5 डिवाइड बाय 15 क्या आएगा, तो देखना पड़ेगा ना डिवाइड करके। तो यहां पर इस तरीके से एलसीएम निकालने से ना डिवाइड करके देखना नहीं पड़ता। क्यों नहीं देखना पड़ता, उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। देखो ये क्या है, 15 क्या होता है, 5 × 3। 5 × 3 को अगर मैं इस तरीके से कट कर देता हूं, ये 5 और 3, तो बचा क्या, 2। दैट मींस इसका जो एक दिन का काम है वो 2 यूनिट है। अब 10 क्या होता है, 5 × 2 5 × 2 होता है ना, अगर मैं 5 × 2 को रिमूव करूंगा तो बचेगा क्या, 3। तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट आएगा कि 3 बार डिवाइड होगा ना, ठीक है, पर डे वर्क है। पर डे वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। अब देखो प्रियांक 6 है तो 6 क्या होता है, 2 × 3, तो 2 × 3 को हटाऊंगा तो बचेगा क्या, 5, तो ये 5 बार डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 30 / 6 क्या आ रहा है, डिवाइड कर करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रियांक और ये जो प्रताप है, भानु है और प्रियांक है, राइट, इनका एक दिन का वर्क निकालना है तीनों का मिला के, तो 2, 3 और ये वाला पार्ट रहेगा, और टोटल डेज निकालने हैं तो टोटल वर्क डिवाइड बाई वन डे वर्क, ये वन डे वर्क ही है ना, पर डे, तो पर डे कितना हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3, दैट इज डी, ठीक है। और यही काम अगर मैं यूनिटरी मेथड से कर रहा होता तो यूनिटरी मेथड अभी स्टार्टिंग में और भी ज्यादा आसान लगेगा, देखना क्यों आसान लगेगा। ये एक दिन का काम होता उनका,
देखना ये और ज्यादा आसान होगा कि मैंने 30 एलसीएम ले लिया, तो ये यहाँ पर दो आने वाला था, ये तीन आने वाला था और ये पांच आने वाला था, तो ये वन डे का जो वर्क है वो 10/30 आने वाला था, और वन डे का जो भी वर्क होता है इसको रिवर्स करके लिख दें तो वो नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं, टाइम पीरियड आ जाता है, रिवर्स क्या होगा 3 डेज। तो ये और ज्यादा आसान लग रहा है ना, तो ये और ज्यादा आसान स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन जैसे ही इसमें कुछ कंडीशन डाल देता मैं कि 2 दिन के बाद प्रताप चला गया, 3 दिन के बाद भानु चला गया, बचा हुआ काम प्रियांक ने किया, तो वहां पर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एफिशिएंसी क्या होता है ना, एक दिन में आप कितना काम कर सकते हैं वही एफिशिएंसी है। इसको कई बार परसेंटेज में भी लिखते हैं लोग कि एक दिन 1/3 एफिशिएंसी आ रहा है, दैट मींस योर एफिशिएंसी इज 33.33%, राइट? क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है हमारा 100% होता है ना टोटल वर्क। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में टोटल वर्क जो होता है वो 100% होता है। ठीक। अब मान के चलो कि आप उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो 100% वर्क को अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो डेली कितना करोगे, 10%? 10%। तो 10% क्या होता है, 1/10। यस। तो यही एफिशिएंसी है आपका। एक दिन का काम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, तो 10% आपकी एफिशिएंसी है, क्योंकि आपको 100% वर्क करना है तो 10 दिन लग जाएगा। तो परसेंटेज में भी कई बार एफिशिएंसी गिवन होता है, तो परसेंटेज वाली एफिशिएंसी को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 100 से डिवाइड कर दो बस। अब ये क्वेश्चन करके देखिए, तो देखो क्या बोल रहा है, कल्लू डज अ वर्क इन 32 डेज एंड बिल्लू डज द सेम वर्क इन 36 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूगेदर एंड वर्कड फॉर 10 डेज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। तो देखो कल्लू डज, यहाँ पर जो ये कल्लू है ये 32 डेज में किसी काम को कर रहा है, और बिल्लू जो है वो आपका 36 डेज में कर रहा है, तो इसका जो टोटल वर्क निकलेगा, टोटल वर्क क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधे सीधे कैसे निकालेंगे भाई, 32 और 36 इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, तो आई कैन थिंक ऑफ 4, राइट? 4 सबसे बड़ा है, तो 4 ये क्या होता है, 4 × 8 होता है ना, तो 8 इधर आ जाएगा। ये क्या होता है, 4 × 9, तो 9 इधर आ जाएगा। क्या 8 और 9 में कुछ भी कॉमन है? नहीं है, राइट? तो यही मेरा एलसीएम होगा। इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा, और उस नंबर 32 से डिवाइड भी करना है। तो मैं वन डे का वर्क निकालने के लिए क्या करता हूँ, 32 क्या था आपका, 4 × 8, तो 4 और 8 कट जाएगा, दैट मींस इसका जो एफिशिएंसी आएगा 9 यूनिट पर डे आएगा। तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही बी को अगर करूंगा तो ये 8 जाएगा, क्योंकि 4 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 8 यूनिट हो जाएगा, राइट? अब देखिए, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूगेदर एंड वर्कड फॉर 10 डेज। तो भाई एक दिन अगर कल्लू और बिल्लू साथ में काम करते हैं तो ये 9 + 8 = 17 यूनिट काम करते हैं। ये 10 डेज काम साथ में करेंगे तो इन्होंने खत्म कर दिया होगा, 70 यूनिट काम खत्म हो गया, राइट? सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, तो बचा हुआ काम कितना है। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ भाई कि ये 72 है, 72 × 4 करूंगा तो 288 आएगा, राइट? तो बचा हुआ काम कितना है, 288 - 170, राइट? तो ये कि बचा हुआ काम कितना हो गया, ये बचा हुआ काम आ गया 118 यूनिट बचा हुआ काम है, राइट? लेकिन मेरे को क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में निकालना है तो जो बचा हुआ काम है उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, और टोटल वर्क क्या था हमारा, 4 × 8 × 9, यही था ना टोटल वर्क, है ना? तो अब मैंने यहाँ पर, अब ध्यान से देख रहे होगे कि क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन 288 नहीं लिखा यहाँ पर, तो कैंसिल आउट करूंगा तो 2 से ये 59 टाइम्स हो जाएगा, और ये 2 से 2 बार, अब कुछ कैंसिल आउट नहीं होता, तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क है ये बचा हुआ काम है, तो ये आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। राम कैन डू 25% ऑफ द वर्क इन 8 डेज, श्याम कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 48 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर।
कि राम जो है ना वो 1/4 काम को, 1/4 वर्क को 8 डेज में करता है, तो पूरा काम कितना है हमारा, 1 है ना। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो, 1 के लिए क्या करते हैं, डिवीजन, तो ऑटोमेटिकली आप इसको 4 गुना कर देंगे। मतलब प्रोसेस ये चलता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 1/4 1 कर रहे हैं, मतलब 4 गुना कर रहे हैं। ये इसका 4 गुना है ना, तो ये वैल्यू भी नहीं हो जानी चाहिए, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा जो कंप्लीट वर्क है वो 32 डेज में करेगा, राइट। ठीक इन द, हाँ 100%। तो 1/4 मतलब क्या हो गया अब, हाँ परसेंटेज के टर्म्स में क्या हो गया, 25% आप कितने दिन में कर रहे थे, 8 में। 100% क्या है, तो ये 4 गुना है ना, 4 टाइम्स है, तो ये भी 4 टाइम्स होगा, तो 32, ऐसे भी सोच सकते हो। ये दोनों ही मेथड आने चाहिए, क्योंकि कई बार फ्रैक्शन में दे रखा होता है, जैसे नेक्स्ट लाइन में फ्रैक्शन में है, तो श्याम क्या कर रहा है, हाफ वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 48। तो 1 वर्क क्या है, मतलब ये इसका डबल हो गया ना, इंटू 2 हो गया है, तो ये भी डबल हो जाएगा, तो पूरा 100% जो वर्क है वो 96 डेज में करेगा, राइट। सबसे पहली जो बात हमें समझ में आनी चाहिए थी वो ये थी कि उसके लिए 32 आ जाएगा और इसके लिए क्या आ जाएगा, 96। इतना पार्ट क्लियर है? यस ओके। तो अब जो राम जो काम कर रहा है, राम कंप्लीट वर्क कर रहा है 32 डेज, और श्याम जो कंप्लीट वर्क कर रहा है वो कितना, 96 डेज में। 96 डेज। अब इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 32 इन दोनों में कॉमन है, तो ये 1 × 3, तो ये हम मेरा टोटल वर्क आ जाएगा, राइट। तो अब आप ध्यान से देखो, 32 से डिवाइड करोगे तो 1 × 3 बचेगा, तो 3 यूनिट ये एक दिन में करेगा। और ये बंदा कितना करेगा, 96, तो 32 × 3 होता है, तो 1 यूनिट करेगा पर डे। ये होता है पर डे का वर्क, राइट। अब कह रहा है कि टोटल वर्क नहीं करना, हमें 3/4 वर्क करना है। कितना वर्क करना है, 3/4। तो 1 वर्क जो है वो कितना है हमारा, 96 यूनिट है ना, कि ये टोटल वर्क है 3 × 32 × 1 × 3, ये 96। अगर टोटल वर्क हमारा कितना है, 1 है, अब ये कितना हो गया, 3/4, तो मेरे को करना कितना है, 96 × 3/4, दैट इज इक्वल टू, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 72 यूनिट मेरे को करवाना है इन दोनों से, राइट। हाँ, अब जो इनको काम जो करना है वो है 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 72। अब इन लोगों से करवाना है, तो भाई राम और श्याम मिलके 72 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन का वर्क कितना है दोनों का मिला के, 3 + 1 = 4, तो 3 + 1 = 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 72/4 आएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 18 डेज। समझ में आ गया? चलिए अब मैं बता देता हूँ। कल्लू डज 1/4 ऑफ द वर्क इन 11 डेज, तो भाई अगर ये 1/4 वर्क 11 में करता है ना, 11 डेज में करता है, तो टोटल वर्क जो हमारा होता है वो 1 होता है, तो इसको 4 गुना करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही बिल्लू ने 20% वर्क 15 दिन में किया, तो 20% 15 दिन में, तो 100% क्या होगा, 5 गुना होगा ना, तो ये 75 डेज में करेगा। तो बिल्लू के लिए मैं सीधे सीधे कर सकता हूँ 75 डेज टोटल, राइट, क्योंकि 20% जो है ये 15 दिन में कर रहा था, तो 100% क्या हो गया, 5 गुना हो गया, तो 5 गुने डेज लगेंगे 75। अब जो टिल्लू डज 37.5% ऑफ द वर्क इन 15 डेज, तो देखो ये जो 12.5 जो होता है ना परसेंटेज वाला पार्ट, अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होता है, जैसे 12.5 होता तो इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ, पॉइंट हटाने के लिए 25 से ये कटेगा 5 बार, 25 से ये कटेगा 4 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार, तो ऐसे फ्रैक्शन में बनाते हैं। बट परसेंटेज में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये भाई मेरे को याद करने हैं, राइट। जैसे अब मेरे को हमेशा क्या रहता है ना, मेरे को 25% हमेशा याद रहता है, 1/4 होता है ना, तो इसका आधा क्या होता है, तो इसका आधा क्या होता है, तो इस तरीके से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना।
तो 1/8 12.5% हो गया। अब ये कॉमन कॉमन जनरल टर्म है 37.5%, तो ये हमेशा इसका क्या होगा ना, तीन गुना है ये 37.5%, तीन गुना है तो क्या हो गया, 3/8 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हम यहां से ये कर लेते हैं आगे वाले पेज पर कि भाई कल्लू जो है वो 44 डेज में काम को करता है, बिल्लू का हमारा 75 आ गया था, तो टिल्लू का हमने क्या कहा कि भाई 3/8 जो वर्क है ना, एक और भी है क्या, अच्छा ये ठीक है, सल्लू भी है, तो 3/8 है तो टोटल वर्क कितना होगा, 15 डिवाइड करेंगे 3/8 तो 8/3 ऐसे आ जाएगा ना, तो इसके 40 डेज आ जाएंगे टोटल। और सल्लू का 1/3 है, 1/3 है, तो इसको तीन से गुना, तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 31.5, या फिर आप ये भी लिख सकते हो अपॉन 10, 31.5 पॉइंट हटा के अपॉन में 10 कर दिया, और पास से कट कर लोगे तो इसको क्या आएगा आपके पास, पास से कट करने के बाद आएगा 63 डिवाइड बाई 2, राइट, ये 31.5 यही तो था। आई होप क्लियर है इतना पार्ट। yes. अब इनका एलसीएम लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तुमको, है ना? yes. अच्छा, एलसीएम तो पूछा भी नहीं है, इसमें पूछा है हु अमंग द फोर इज लीस्ट एफिशिएंट, सबसे कम काम कौन करता है, तो सबसे कम काम देखो ये 1/4, ये 1/44 काम करेगा एक दिन में, हाँ. ये कितना करेगा, 1/75 काम करेगा एक दिन में, 40 दिन में कर रहा है, तो टिल्लू जो काम करेगा वो 1/40 काम करेगा एक दिन में, और ये जो काम करेगा 2/63 करेगा, तो सबसे कम काम कौन कर रहा है जो इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, तो सबसे कम काम कर रहा है बिल्लू, तो बिल्लू इज द लीस्ट एफिशिएंट आदमी, यही पूछा गया है हमसे। कह रहा है राज, राहुल एंड देव कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, तो तीनों मिलके 5 दिन में कर रहे हैं, राज और देव अकेले अकेले करते हैं तो राज को 20 दिन लगते हैं और देव को 25 दिन लगते हैं, तो पूछ रहा है फिर राहुल को अकेले काम करने में कितना दिन लगेगा, कि मेरे को क्या दे रखा है, राज प्लस राहुल प्लस देव, इन तीनों के डेज तो दे रखे हैं कि भाई ये तीनों मिलके करते हैं 5 days में, और राज का और देव का इंडिविजुअल दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 20 और 25, राइट? यस सर। अब हमें किसका निकालना है, राहुल का कैलकुलेशन करना है, तो जब भी ऐसा yes. कोई क्वेश्चन आएगा तो बड़े आराम से हम क्या सोचना स्टार्ट करेंगे कि भाई सबसे पहले तो जो दे रखा है उसका एलसीएम लेते हैं, तो इन सब का एलसीएम देख रहे होगे 100 आ जाएगा, ठीक है? अब 100 यूनिट 5 दिन में हो रहा है तो तीनों मिलके कितना काम कर रहे होंगे, 20 यूनिट पर डे, yes. 5 दिन में 20 यूनिट, 100 यूनिट हो रहा है तो हर दिन में 20 यूनिट हो रहा होगा, हाँ तीनों का मिला के। ऐसे ही राज अकेले करता है तो 20 डेज में करता है, तो 100 यूनिट 20 डेज में, तो ये एक दिन में कितना करता होगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट, और ये अकेला बंदा कितना यूनिट करता होगा, 4 यूनिट, 4 यूनिट। अब ध्यान से देखो कि भाई तीनों का जो काम है वो है 20 यूनिट, इसमें से राज का काम कितना है, 5 यूनिट, इसमें से देव का काम कितना है, 4 यूनिट, तो देव का और राज का अगर मैं घटा दूं तो यही जो काम है वो एक दिन का किसका जाएगा, राहुल का जाएगा ना, राहुल का, तो राहुल का हमारा आ गया काम 11 यूनिट पर डे, ठीक है? तो अगर मेरे को राहुल के लिए नंबर ऑफ डेज या टाइम कैलकुलेट करना है कि पूरे काम को राहुल, तो पूरा जो काम है वो है 100 यूनिट, तो अब आप देखो कि राहुल का काम निकालना है, तो भैया राहुल को हमको कितना काम करवाना है, 100 यूनिट करवाना है, और राहुल एक दिन में कितना करता है, 11 यूनिट, तो कितने डेज लगेंगे, तो टोटल काम को आप एक दिन के काम से डिवाइड कर दें तो आपको 100/11 डेज लगने वाले हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कि भाई चार लोग का एक साथ दे रखा है, तीन का अकेले अकेले दे रखा है, चौथे का पूछ रहा है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा।
ठीक है, अगर से कर रहे होते तो क्या कर रहे होते भाई, इन तीनों का मिला के 1/5 काम है एक दिन का, राज हाँ। राहुल और देव का एक दिन का काम कितना है 1/5, और राज कितना कर पाता है एक दिन में 1/20, और देव कितना कर पाता है 1/25। तो तीनों के काम में से अगर राज का काम 1/25 और देव का काम ये घटा दें, तो ये जो काम आएगा ये वन डे वर्क ऑफ क्या आएगा, वन डे वर्क ऑफ क्या आएगा, राहुल आएगा ना, हाँ राइट हाँ। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 100 LCM आ रहा है तो हम क्या करते भाई, 20 - 4 - 5 विच इज इक्वल टू 11/100। तो ये जो 11/100 है ये है वन डे वर्क ऑफ राहुल, और मैंने आपको कहा था कि वन डे वर्क को अगर रिवर्स करके लिख दिया जाए तो वही उनके टोटल नंबर ऑफ डेज भी होते हैं। तो ये राहुल के लिए तो, अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है, कल्लू डज अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बिल्लू डज इन 12 डेज, इफ कल्लू एंड बिल्लू एंड टिल्लू टुगेदर कैन डू इन 4 डेज। तो देखो अब यहाँ पर कल्लू का पार्ट अकेले का दे रखा है, बिल्लू का पार्ट 12 दिन का दे रखा है, और कह रहा है और कल्लू और टिल्लू तीनों ही कर रहे हैं 4 दिन में। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ। सीधे एलसीएम लेंगे, 18, 12 और 4 इनका एलसीएम मुझे 36 दिख रहा है सीधे सीधे, तो 36 यूनिट हमारा काम हो जाएगा। तो जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना तो हम सीधे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो भाई ये एक दिन में ये जो काम करेगा वो 2 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 3 यूनिट करेगा, और सब मिला के कितना काम कर रहे हैं, 9 यूनिट, क्योंकि 36 यूनिट 4 दिन में हुआ है, तो 36 / 4 9 है ना, 9 में से 3 और 2 को माइनस करेंगे तो ये जो 4 यूनिट काम आएगा ये किसका जाएगा, टिल्लू का। अब ये जो टिल्लू है 4 यूनिट एक दिन में करता है तो 36 यूनिट को कितना टाइम लगेगा, तो अब सेकेंड टाइम में देखो कितना इजी हो गया कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन मेथड होता है उसके कंपैरिजन में ये हमेशा बेटर होता है, बट हमें फ्रैक्शन मेथड आना चाहिए। तो ये कंडीशन वाला क्वेश्चन हो गया राइट। तो कह रहा है कि अरुण काम कर रहा है 12 दिन में, भानु काम करता है 15 दिन में, तो टोटल वर्क हमारा हो गया 60 यूनिट, सीधा सीधा दिख रहा है 12, 15, 60 यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जब ये अकेले अकेले काम करेंगे ना तो ये 12 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट करता होगा, 5 यूनिट, और एक दिन में ये करता होगा, ठीक है हाँ। तो अब देखो कंडीशन पढ़ना है, अरुण अलोन स्टार्टेड, तो अरुण ने अकेले काम करना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर 3 डेज भानु ज्वाइन हिम, तो अब भानु क्या कर रहा है, इसको 3 दिन के बाद ज्वाइन कर रहा है, तो 3 दिन तक अकेले काम किया तो 5 यूनिट एक दिन में करता था, 3 डेज तक किया तो 15 यूनिट तो इसने ऑलरेडी खत्म कर लिया होगा हाँ। अब बचा हुआ काम कितना है भाई, 60 यूनिट टोटल है, 45 है, अब दोनों हाँ। मिलके उसको करेंगे तो 5 और 4 यूनिट कितने दिन में खत्म कर देंगे, 5 यूनिट। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन ना जैसे जैसे तुम्हें थोड़ा कंफर्ट लेवल आने लगेगा, हो गया ना, 10 सेकंड लगे